तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन का आंसर करने वाले हैं कि हाउ टू चूज क्रिकेट बैट किस तरीके से हम एक परफेक्ट क्रिकेट बैट अपने लिए चूज कर सकते हैं तो एक चीज तो मैं प्रॉमिस करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आपको काफी अच्छे सा आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से आप अपने लिए क्रिकेट बैट चूज कर सकते हैं और वन आप अपने लिए एक अच्छा बैट चूज कर पाएंगे सही प्राइस रेंज में और क्योंकि मैं मेरिट में रहता हूँ मेरिट सिटी आपको पता है स्पोर्ट्स के लिए पॉपुलर है तो यहाँ पर बेसिकली जितनी भी कंपनीज है अच्छी खासी स्पोर्ट्स की चाहे आप एस ले लें चाहे एस ले लें चाहे इन्वेस्पो ले लें और इसके अलावा और भी बहुत सारे यहां पर ब्रांड हैं स्पोर्ट्स के जो कि बेसिकली मेरठ में ही बनते हैं इनफैक्ट जो आपके वर्ल्ड की बाहर की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे कि कोका कोकाबोरा है इसके अलावा आपके यहाँ पर ये और भी बहुत सारे ब्रांड हैं विदेशी उनके सामान पे भी बेसिकली क्या होता है मेरठ में ही कहीं ना कहीं वो इन्हीं कंपनीज के थ्रू मैन्युफैक्चर होते हैं बस बस ब्रांडिंग उन कंपनीज की हो जाती है राइट हालांकि मैं आप सभी से कहूंगा कि आपको अपने मेड इन इंडिया ब्रांड्स सपोर्ट करने चाहिए प्रधानमंत्री जी ने भी ऐसा ही कहा है

तो थोड़ा सा इससे आप रिलेट कर पाओगे एक बार की बात है एक लड़का होता है वो अपने पापा के साथ क्रिकेट बैट लेने के लिए आता है एक्चुअली उसके पापा दिलाने लाते हैं उसका वो वो छोटा होता है थोड़ा राइट तो बेसिकली उसने क्रिकेट खेलना स्टार्ट ही किया होता है तो उसके पापा दुकान पर लेके जाते हैं दुकान वाले के पास की जी इसके लिए क्रिकेट बैट दे दो तो जो दुकान वाला था बेसिकली वो दुकान वाला उस दुकान वाला कि अरे अपने लड़के से कहता है अरे इसके लिए वो ढाई हजार वाला कश्मीर में क्रिकेट बैट निकाल के लाओ तो क्या होता है कि जो लड़का होता है वो निकाल के लाता है अब उसके पापा को ये बात चुप जाती है अच्छा जी ढाई हजार वाला कश्मीर के लोग क्रिकेट बैट हमारा बेटा इससे खेलेगा उसके पापा कहते हैं वो ऐसी बात नहीं है भाई ढंग का बैट निकाल के ला चल चल तेरा तोड़ <laughs> तो उसके पापा कहते हैं कि भाई ऐसा है कि हम जो है ऐसे ही नहीं है हम पैसे वाले लोग हैं ठीक है ना चल चल बढ़िया सा जो बैट वो निकाल के ला तो वो दुकानदार क्या करता है दुकानदार कहता है अच्छा जी ऐसा है

दो दिन बाद ही उसके पापा आते हैं ले दुकान पे लेके आते हैं बच्चे को कहते हैं दूसरी दुकान वाले से अरे भाई साहब वो ढाई हजार वाला ही बैठ दो इसको जरा बिना मतलब में इतने पैसे करवा दिए वो दुकान वाला कहता है कि क्या हुआ बोलता है कि ये स्टेडियम में गया था और बैट जो है पता नहीं इसने केयर नहीं करी और कोई इसका बैट चोरी करके ले गया राइट थर्टी थाउजेंड रुपीज तीस हजार रुपए का बैट था दुकान, दुकान क्यों कहा था कि वो स्टार्टिंग में ढाई हजार वाला बैट ले ले क्योंकि अभी वो बच्चा छोटा है वो खेलना शुरू कर रहा है या फिर मैं छोटा भी नहीं नहीं है 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 तो तो वो वो जैसे ज्वाइन कर कर रहा रहा क्रिकेट खेलना शुरू तो अभी उसको पता किस तरह से बैट को प्रॉपर केयर करते हैं हो सकता है वो बैट को ऐसे ही फेंक दे हो सकता है वो बैट को छोड़ के आ जाए जैसे कि उसका हुआ था चोरी हो गया था बैट राइट या हो सकता है वो उसकी प्रॉपर केयर ना करे राइट इन दैट केस बैट के डैमेज होने के चांसेस रहेंगे उन्होंने अपने तीस हजार रुपए गवा दिए थे जबकि अगर वो ऐसा ना करता दुकान वाले की बात सुन लेते उसके पापा तो इन दैट केस उसकी जो नुकसान होता वो शायद एक कश्मीरी बैट का होता या फिर हो सकता है सस्ता बैट देख के कोई चोरी भी ना करता किसी ने सोचा होगा इतना एक्सपेंसिव बैटल है मैं इसको ले जाता हूँ उठा के लोग होते हैं कुछ लोग ऐसे आपको बताएं तो कहने का मतलब ये है कि कौन सा बैट आपको लेना चाहिए कश्मीर या इंग्लिश या आप ये देखिए कि आप अभी कौन से लेवल पे हैं अगर आप अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं जो आप ज्वाइन कर रहे हैं थोड़ा क्रिकेट की तरफ तो मैं रिकमेंड करूंगा कि इक्कीस के, के बीच में जो कश्मीर विलो वाले क्रिकेट बैट होते हैं वो कमाल के होते हैं यकीन मानना कमाल के होते हैं आप उन बैट्स को परचेज करो बजाय इसके कि आप चार पांच हजार रुपए का कोई इंग्लिश विलो की लो क्वालिटी का ग्रेड परचेस करो आप हाई क्वालिटी का कश्मीरी क्रिकेट बैट परचेस करो ना राइट right? जिसकी लकड़ी भी इंडिया में ही बनती है इंग्लिश वीलो की इंग्लैंड से आती है लकड़ी और इसलिए वो एक्सपेंसिव भी होता है और उसमें टाइम भी ज्यादा लगते हैं और भी पचास चीजें हैं तो कहने का मतलब ये है इंग्लिश और कश्मीरी में चूज करना है तो सबसे पहले अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो कश्मीरी का चूज करो हाँ अगर आपको कई साल हो गए अकेडमी में खेलते हुए आप थोड़े अच्छे लेवल के हो तो ऑब्वियस सी बात है फिर इंग्लिश वीलो परचेज कर लो अगर आप गली गेले खेलना चाहते हो तो यार सिंपल है फिर तो आप कश्मीर वीलो से खेलो क्यों इंग्लिश वीलों में इतने पैसे बर्बाद कर रहे हो राइट right? अगर गली में या नॉर्मल कहीं सोसाइटी या ग्राउंड में खेल रहे हो तो आप कश्मीर विलो से भी खेल सकते हो अच्छे घासी लेदर की बॉल से क्रिकेट कश्मीर विलो के लेदर की बॉल के लिए होते हैं राइट इक्कीस सौ से तीन हजार के बीच में कमाल गए पर बैट्स आ जाएंगे कश्मीर विलो के लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में तो ये तो था है यहाँ पे पहले क्वेश्चन का आंसर मुझे उम्मीद आपको समझ आ गया होगा कि कौन सा क्रिकेट बैट आपको परचेज करना चाहिए कश्मीर विलो या इंग्लिश विलो दूसरा वैक्टर होता है कोस किस कोस पे आप बैट को परचेज करना चाह रहे हैं आपके ढाई मतलब है, पता, पता आप है, तो है, है तो ढाई वाला क्रिकेट बैट ले लो ना कश्मीर वीलो का वो भी फर्स्ट क्लास होते हैं राइट अगर बैट लेने पर जाओगे आप बेस्ट में जाओगे तो पचास हजार रुपए तक के भी क्रिकेट बैट है इंग्लिश वीलो यहाँ पर आपको चीज पता है नहीं मैंने इस बनाई हुई तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर हम कॉस्ट की बात करें तो आप ये मत सोचो कि ये है वो है आप ये देखो कि आपका मकसद क्या है अगर आप लेट से आप अपनी गली में या नॉर्मल पार्क में खेलते हो तो कोई दिक्कत नहीं आप पंद्रह सो से दो वाला बैट भी लोगे कश्मीर भी लो तो आप उससे भी खेल सकते हो क्योंकि वहां तो नॉर्मली हम क्या होता है वो रेड वाली जो अपनी बॉल होती है हार्ड कॉर्क वाली उससे खेलते हैं राइट और अगर आपको प्रोफेशनल खेलना है तो इक्कीस से तीन वाले देख लो 2100 से 3000 के बीच में जो क्रिकेट बैट आते हैं कश्मीर भी लो के वो देख लो वो भी अच्छे होते हैं दोनों पे मैंने वीडियोस बनाई हुई है राइट right? चैनल पे आप जाके देख सकते होंगे स्क्रीन पे भी आ रही होंगी इस वीडियो को देखने के बाद कि कौन से आप टॉप फाइव बैट है जो इस में प्राइस कर सकते हैं तीसरा क्वेश्चन जो बायर के मन में आता है वो होता है साइज को लेके कि अगर मैं बैट परचेज करने जा रहा हूं या जा रही हूँ तो साइज कौन सा होना चाहिए बहुत से लोग कहते हैं यार फाइव साइज ले ले सिक्स ले ले ये ले ले वो ले ले मैं कहूंगा सिंपल फुल साइज शॉर्ट हैंडल बैट परचेज कर लो राइट right? अगर आपकी एज पंद्रह साल के आसपास है उससे ऊपर है फुल साइज का शॉर्ट हैंडल परचेज कर लो वैसे तो पचास चीजें होती हैं हाइट देखो अपनी ये देखो वो देखो राइट right? तो देखो शॉर्ट हैंडल बेड जो होते हैं ना वो परफेक्ट होते हैं फुल साइज के जो कि नॉर्मली आप पंद्रह साल से ऊपर के हो तो यार आप उनसे खेल सकते हो ना आप मुझे एक बात बताओ अभी आपने पाँच छः नंबर का बैट परचेज कर लिया इस एज में फिर क्या हुआ एक आध साल बाद आपको वो छोटा लगेगा फिर आप फिर से पैसे बर्बाद करोगे और इन अगर आपने इन केस आपने इंग्लिश वोलो इतना महंगा परचेज कर लिया फिर दोबारा से आपका मान लो बैट टूटा नहीं है और आपका बैट आपको छोटा लगने लग गया एक दो साल बाद ही तो वो पैसे बर्बाद चले जाएंगे तो सच्चा यार शॉर्ट एंडल परचेज करो ना चाहे कश्मीर हो चाहे इंग्लिश हो एज सिंपल एज दैट हाँ अगर आपकी ये ज़्यादा ही कम है आप बारह तेरह साल के हो तो फिर आप पाँच नंबर के हिसाब से अपनी हाइट के हिसाब से देख सकते हो लेकिन अगर आप चौदह पंद्रह साल उससे ऊपर के हो या उसके आसपास के हो तो यार वही ले लो एक आध साल बाद बिल्कुल सही आ जाएगा राइट ये पैसे वेस्ट ना हो इसलिए मैं बता रहा हूं बाकी आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना अगला जो पॉइंट आपको कंसीडर करना चाहिए वो है स्वीट स्पॉट और ब्लेड अब देखिए कुछ बच्चे होते हैं जो पतले ब्लेड के बैट से खेलते हैं राइट right? कुछ लोग होते हैं जो मोटि ब्लेड के बैट से खेलते हैं तो आप देखिए आप किस तरीके के हैं और इससे ही भी इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है पर्सनली वो होता है स्वीट स्पोर्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पे ये इन फेसबुक आईएफएस 31 बैट है और ये एसजी का यहाँ पर क्रिकेट बैट है आरएसडी स्पार्क राइट right? तो इनके जो स्वीट स्पॉट है वो लगभग यहां पर है आप देख रहे हो यहां पे दोनों एस जी और ये एक्चुअली इनफे एस जी की जो स्वीट स्पॉट है यहाँ पर है इसका प्लेट बहुत पतला है इसका ब्लेड मोटा है हालांकि ये अच्छी क्वालिटी का बैठा है इसकी एक्चुअली अनबॉक्सिंग और रिव्यू वाली वीडियो भी आने वाली है जल्दी चैनल पर बहुत से लोगों ने डिमांड कर रखा था तो ये बहुत टाइम से पेंडिंग है सॉरी मैं जल्दी इसके यहाँ पे वीडियो डाल दूंगा चैनल पे लगभग बनने में है वो राइट हालांकि ये वाली वीडियो पहले आ जाएगी इसके बाद इसके बाद, इसके बाद इसकी आएगी अब देखो प्रॉब्लम क्या है ये थोड़ा सस्ता बैट है ये तकरीबन 1400 के आसपास का बैट है 14-1500 सौ के आसपास आ जाता है ये और ये बैट एक्सपेंसिव है ये चौबीस सौ के आसपास का बैट है चौबीस सौ पच्चीस ये लेकिन प्रीमियम क्वालिटी का कश्मीरी व्लू बैट है जिससे कि आप यहाँ पे अकेडमीज में खेल सकते हैं और बहुत ही अच्छी क्वालिटी है एक्चुअली ये इनक्रेडिबल है एक्चुअली बैठी आई एफ एस थ्री वन मॉडल और इस बैट की प्रॉब्लम जानते हो क्या है ये देखो इन्होंने इस पर यहाँ पे नकली कुछ लगाया हुआ है ऊपर से राइट right? ये असली नहीं है तो इसमें अंदर पता नहीं है इसलिए मुझे लग रहा है ना कि एस के जो भी ये बैट आ रहे हैं हज़ार पंद्रह सौ ढाई हजार तक के पता नहीं ये लोग इसमें क्या लगाने लग गए हैं ये देख रहे हो यहाँ पे कागज पूरे पे कागज़ चिपका रखा है पता नहीं ये स्टीकर सा क्या है ये चीज़ मुझे बहुत गलत लगती है वहीं दूसरी तरफ अगर मैं दूसरी तरफ अगर आप इन्फेस्पो का देखोगे तो प्योर एकदम क्लीन है और यहाँ पे कितनी साफ कितनी अच्छी यहाँ पे ग्रेन्स दिखाई दे रही है एकदम इनक्रेडिबल है राइट तो कहने का मतलब ये है कि जैसे इन्फेस्फो और एस जी है इन दोनों का जो मतलब स्ट्रक्चर है इन्फेस्फो ब्रांड का और एस जी ब्रांड का वो सेम है स्वीट स्पोर्ट का थोड़ा मिडल में होता है और जो हम बात करें एस एस ब्रांड तो वो क्या करते हैं वो अपना स्वीट स्पोर्ट जो है नीचे की तरफ रखते हैं जैसे ये कुछ लोग यहाँ पे यहाँ वाले से खेलना प्रेफर करते हैं पर्सनली मुझे भी यही पसंद है ज्यादातर इससे खेलते हैं लेकिन कुछ प्लेयर्स होते हैं जो एस एस का यूज़ करते हैं उसमें क्या है स्वीट स्पोर्ट थोड़ा सा वो नीचे खिसका देते हैं तो जैसे कोई यहाँ से हिट करता है ज्यादा तो उसके लिए वो थोड़ा बेनिफिशियल है राइट तो ये चीज भी आप कंसीडर कर सकते हैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो इनफोसफोर एसजी ब्रांड का स्वीट स्पॉट थोड़ा सा मिडल में होता है और एसएस जो ब्रांड है उसका स्वीट स्पॉट नीचे होता है ये एक सिंपल सी चीज है तो बात करते हैं यहां पे ग्रेन्स के कांसेप्ट पे बहुत से लोगों को ग्रेन्स में भी कंफ्यूजन होती है तो देखो जो ग्रेन्स होती है ना सिंपल सी चीज है जो कश्मीर विलो होगा उसके अंदर ग्रेन्स ऐसे होंगी थोड़ी बहुत ऐसे भी हो सकती हैं और इसके अलावा पतली पतली होती हैं कम डिस्टेंस पे राइट और जो इंग्लिश विलो होता है उसमें प्रॉपर यहाँ पर पेडल लाइन्स होती है ग्रेन्स की लिमिटेड छः सात ग्रेन्स हो सकती है पांच हो सकती है इस तरीके से मतलब लिमिटेड इतनी मोटे मोटे गैप पे अच्छे खासे गैप पे यहाँ पे पेडल लाइन्स होती है ये डिफरेंस होता है ग्रेन्स का चिपका है, अगर मैं इस को फाड़ देख रखा तो वाइट वाइट है तो ये कली वाला बैट मुझे लग रहा है नकली राइट ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट है लेकिन इस इन्फेस्पो वाले की अच्छी बात क्या है इसके अंदर आप देख रहे होंगे आपको दूर से दिख रहा होगा देखो कितनी अच्छी यहाँ पे ग्रेन्स है काफी सारी इसमें ग्रेन्स है अगर मैं काउंट भी करूँ तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन तकरीबन ग्यारह बारह इसमें ग्रेन्स दे रखी है अच्छी खासी इसमें ग्रेन्स है और बिल्कुल स्मूथ फिनिशिंग है ऐसा लग रहा है जैसे इंग्लिश बैट बैठे लेकिन ये है बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कश्मीर विलो तो गाइस कहने का मतलब ये ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि आपको कंसिडर करने चाहिए बैट को परचेज करते हुए और ये एक्चुअली क्वेश्चंस भी थे बहुत सारे लोगों के तो मुझे उम्मीद है आपको डाउट्स क्लियर हो गएंगे कि इस तरह से आप क्रिकेट बैट परचेस कर सकते हैं अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें शेयर करें और ऐसी इंपॉर्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर पूछेगा और चलिए मैं उनका उसने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाप